पुराना काली माँ पुरातत्व महत्व की अनेक बावली और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो रखरखाव के अभाव के कारण धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती जा रही है। बदनपुर में ऐसी ही एक ऐतिहासिक बावड़ी स्थित है जो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती जा रही है। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ द्वारा बदनपुर सैनिक सोसाइटी स्थित गोंडवाना साम्राज्यकालीन प्राचीन बावड़ी की पूजा अर्चना कर साफ सफाई की गई, जो अपने वास्तविक रूप में दिखने लगी। लगातार नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसका गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ विरोध करती है। इसी वजह से गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्य और पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय जनों की मदद से बावली का जीर्णोद्धार और सफाई कार्य किया गया। जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज है। मानव जीवन के लिए प्रकृति के सानिध्य में जो प्रकृति ने पानी और पर्यावरण की व्यवस्था की है, इससे हम सब लोगों को जीने का आधार मिलता है। चाहे वो मानव हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सबको पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गोंडवाना साम्राज्य का एक बड़ा इतिहास रहा है। सवो 3 से 17वीं ईस्वी तक संग्राम शाही राज के राजा महाराजाओं ने मध्य भारत में राज किया और राज में रहने वाले सभी प्राणियों को, इंसानों को एक सुखद जीवन देने के लिए उन्होंने पानी की व्यवस्था की थी, जिसमें ताल, तलैये, कुएँ, बावलियों की व्यवस्था की थी। 52 ताल तलेयों का ये शहर जबलपुर में कई बावलियां हैं और मदन महल के पीछे सैनिक सोसाइटी के पास ग्राम बदनपुर में एक भव्य जो है बना हुआ जो है संग्राम शाही साम्राज्य का एक ऐतिहासिक जो है बावली है, जिसका आज गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ की ओर से उसका पुनर्निर्माण और सफाई अभियान हम कर रहे हैं। पूर्व में हमने जिला कलेक्टर को और माननीय नगर कमिश्नर को एक ज्ञापन के जरिए उनको अवगत कराया था कि जितने भी धरोहर हैं इनको बचाया जाए, लेकिन उनके काम करने की शैली को देखते हुए हमें बहुत चिंताजनक ऐसा एहसास हुआ कि यह काम हमको ही करना चाहिए और आज की तारीख में यह काम कर रहे हैं। मैं इस काम को करते हुए पूरे शहर के सभी जनमानस से निवेदन करता हूँ कि पानी और पर्यावरण जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसे बचाएं। एक महामारी से हम गुजर चुके हैं और आदिवासियों को इसकी चिंता नहीं है। आदिवासी कई बार कई महामारियों से, प्राकृतिक आपदाओं से जूझ चुका है और उसको सह सकता है, लेकिन जनमानस जिसे मालूम नहीं है उसे जितने भी ताल तलिए इनको बचाना चाहिए, जितने बावली इनको बचाना चाहिए, इसी से जीवन चलेगा। जी, गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ की ओर से एक जनहित याचिका 11/272/2011 माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में इस बाबत दायर की गई थी कि जो ऐतिहासिक किला मदन महल है और जो उसकी 306 हेक्टेयर भूमि है उसको संरक्षित किया जाए, जहां विभिन्न जल स्रोत हैं, हमारी वहां की विरासत है। किंतु कुछ अतिक्रमण तो अलग हुए, किंतु जो बावली थी आज वह यहाँ लोग वहाँ अतिक्रमण कर रहे थे, जो आज हम लोगों ने देखा तो आज हम लोगों ने यहाँ सफाई की है और उसको शासन से शीघ्र ही हम लोग उसको संरक्षित करने की मांग करते हुए इसको भव्य रूप से एक जल स्रोत को बचाएंगे, ऐसी हम लोग की अपेक्षा है। मैं एडवोकेट बालकिशन चौधरी, जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।